दोस्तों, कुछ दिन पहले IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ये बताया गया कि बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP जो है वो इंडिया से ज़्यादा हो गई है। यहाँ कुछ लोगों को शायद पर कैपिटा GDP के बारे में ना पता हो, तो उनके लिए बता दूँ कि जब भी हम किसी भी कंट्री के टोटल GDP को वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है वहाँ की पर कैपिटा GDP। तो इस रिपोर्ट को कहीं कहीं ऐसे भी दिखाया गया कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया से ज़्यादा अमीर हो गया है। और जाहिर है कि जब बात देश की GDP से जुड़ी हो तो बयानबाजी तो होगी ही, जो कि हो भी रही है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अजीज़ अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK स्टडी हाइव पर। और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि IMF होता क्या है जिसने ये रिपोर्ट निकाली है। तो IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है अमेरिका Washington DC में। IMF को हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मिनार्ड किन्स के आइडिया से 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 44 कंट्रीज़ की सहमति से इसको इस्टेब्लिश करने की बात कही गई, जिसे 1945 में इस्टेब्लिश किया गया। इसी कॉन्फ्रेंस में IBRD वर्ल्ड बैंक को भी इस्टेब्लिश करने की बात कही गई, जिसे 1945 में ही IMF के साथ ही इस्टेब्लिश किया गया, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फ़िलहाल आप इसके सिंपल से डिफरेंस को समझ लीजिए। तो वर्ल्ड बैंक लोन देती है उन कंट्रीज़ को जो डेवलप हो चुकी हैं और उन्हें और ग्रोथ करनी है, जैसे कोई डैम बनाना है या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा कर बनाना है उसके लिए। और IMF लोन देता है उन कंट्रीज़ को जिनकी हालत ख़राब होती है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो और उन्हें डेवलप होने के लिए बहुत ज़रूरी पैसों की ज़रूरत हो उन कंट्रीज़ को। तो ये डिफरेंस देखकर कोई इन्वेस्टर या कंपनी समझ सकती है कि किसी कंट्री की हालत क्या है। मान लीजिए अगर कोई कंट्री वर्ल्ड बैंक से लोन ले रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन तो ठीक है और वो और ग्रोथ के लिए लोन ले रही है वर्ल्ड बैंक से। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई कंट्री IMF से लोन ले रही है तो इसका मतलब उसकी हालत ख़राब है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, वो ख़राब है। तो ये एक सबसे बेसिक और सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में जो आपको पता होना चाहिए। तो IMF को इस्टेब्लिश किया गया 27 दिसंबर 1945, लेकिन इसने काम करना शुरू किया 1947 में। साथ ही IMF की 189 कंट्रीज़ मेंबर हैं। इसके अलावा और अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये एक फ़ंड है आपकी 189 कंट्रीज़ मेंबर का। हर मेंबर कंट्रीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, और कंट्रीब्यूशन के रेशो के हिसाब से ही उस कंट्री का वोटिंग शेयर होता है। जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट उतना ज़्यादा वोटिंग शेयर। इंडिया की तरफ से अगर मैं बताऊं तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है IMF का। इसका 8th प्लेस है इन जनरल कोटा। और इंडिया ने 1991 में IMF से लोन लिया था जब यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। उसके बाद इंडिया ने अभी तक IMF से लोन नहीं लिया है। अब एक बात ये देखिए कि IMF की जो 189 कंट्रीज़ मेंबर हैं उनकी अलग अलग करेंसी है, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और लोन देने और कंट्रीब्यूट लेने में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए IMF ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR बनाए,
जिसे आप IMF की करेंसी भी कह सकते हैं, लेकिन ये करेंसी नहीं है। ये एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट है जो 1969 में IMF द्वारा बनाया गया था, और इसी SDR के फॉर्म में IMF लोन देती है और सभी मेंबर्स कंट्रीज इसी SDR के फॉर्म में ही कंट्रीब्यूट इसमें देती हैं, जिसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। अब एक SDR कितने का होगा और इसकी क्या वैल्यू होगी, तो इसको डिटरमाइन किया जाता है 5 कंट्रीज की करेंसी से, जिसे बास्केट ऑफ 5 करेंसी भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी करेंसी हैं, तो पहले इसमें सिर्फ 4 करेंसी थी, लेकिन 2016 में चाइनीज़ करेंसी चाइनीज़ रेनमिनबी को इसमें ऐड किया गया। तो पहला है आपका US डॉलर, सेकंड है जापानीज़ येन, थर्ड है आपका यूरो, फोर्थ है ब्रिटिश पाउंड, और फिफ्थ है आपका चाइनीज़ रेनमिनबी, जो कि 2016 में इसमें ऐड की गई। 2069 से पहले 1 SDR की वैल्यू होती थी 1 US डॉलर के इक्वल। अब IMF के कुछ फंक्शन पर नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो इसके बहुत से फंक्शन हैं, लेकिन अगर इसके कुछ मेन फंक्शन की बात की जाए तो उसमें आते हैं अपनी मेंबर कंट्रीज़ की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनको लोन प्रोवाइड करना और उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू को सॉल्व करना। इसके बाद सभी कंट्रीज़ को उनकी इकोनॉमी से रिलेटेड एडवाइस देना, जैसे कि उनकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, ख़राब चल रही है या ठीक चल रही है, या और कैसे अच्छी हो सकती है, वगैरह वगैरह। अब IMF के कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि आखिर ये बनाई क्यों गई थी। तो IMF के फंक्शन की तरह ही IMF के बहुत से ऑब्जेक्टिव हैं, और उनमें से कुछ हैं अपनी सभी कंट्रीज मेंबर्स को मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी कॉरपोरेशन देना, एक्सचेंज स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, मल्टीलेटरल ट्रेड और पेमेंट को इस्टेब्लिश करना, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ और हेल्प ड्यूरिंग द एमरजेंसी, मतलब सभी कंट्रीज मेंबर को एमरजेंसी के टाइम हेल्प करना, उनको लोन प्रोवाइड करना। IMF को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है इसके 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, और फिलहाल IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, जो कि केरला में चीफ मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुकी हैं। अब IMF के लोन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो IMF जो है वो लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट पर देता है, और ये 4 तरह के लोन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है FCL, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन। ये लोन जब दिया जाता है जब किसी कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना आई हो लेकिन आने वाली हो, मतलब पूरे चांस हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ख़राब होने वाली है। सेकंड है आपका PLL, प्रिकॉशनरी लेंडिंग। ये लोन जब दिया जाता है जब किसी कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ख़राब होना शुरू हो चुकी हो। थर्ड है आपका SBA, स्टैंड बाई अरेंजमेंट। ये लोन जब दिया जाता है जब कंडीशन ख़राब चल रही है लेकिन उसे जल्द ही ठीक किया जा सकता है। और फोर्थ है आपका EFF, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये लोन जब दिया जाता है जब किसी कंट्री की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और लॉन्ग टर्म के लिए ये लोन दिया जाता है। अब अगर कोई कंट्री IMF से लिया लोन वापस नहीं कर पाती तो उसको दूसरा लोन नहीं दिया जाता, कोई दूसरा फ्रेश लोन नहीं दिया जाता, और इसकी करेंसी जो है वो गिरने लगती है और इन्वेस्टर और कंपनीज जो हैं वहाँ से भागने लगती हैं। तो ये थी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।